What's up everybody? Welcome to the new vlog. तो आज finally 13 तारीख आज है craft fest और पूरे कॉलेज में पूरे हॉस्टल में इतनी ज्यादा इसका क्रेज चल रहा है. नेहा कक्कड़ आ रही है, आयुष्मान खुराना आ रहा है और डीजे शैडो आ रहा है. मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो बहुत ज्यादा क्रेज है, सब लोग बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, सब मजा आने वाला है आज के दिन में. पूरा आपको दिखाने वाली हूँ मैं. पूरी वीडियो देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज प्लीज प्लीज. ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा कैंपस में काम था तो कैंपस में भी देख के आते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे सब तैयारियां चल रही हैं. एक्चुअली मेरा पार्सल आ रखा था तो वो मुझे को पिक करना था. मैंने फोन का कवर ऑर्डर करा तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आ रही है. तो चलो सर, कमेंट्स वगैरह सब आ रहे थे सबके कि थोड़ा सा उनको रूम देखना था, रूम टूर चाहिए था उनको. तो ऐसा कुछ खास तो है नहीं, आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे ब्लॉग में, ज़्यादातर रूम में दिखाती हूँ. बाकी मैं आपको फिर भी एक बार सब कुछ दिखा देती हूँ. 220 सेकेंड फ्लोर पे प्रिया दर्शनी हॉस्टल में है, 3-सीटर है. ठीक है, कुछ कुछ ऐसा है. यहाँ पे हमारे पास सब कवर्स वगैरह हैं, मेरा है, ये शेल्फ्स वगैरह दे रखे हैं, मेरी टेबल है. ये पता है मेरे को रूम टूर थोड़ा सा शूट करना था इसलिए मैंने अपना रूम साफ किया. बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो रखी है रूम की. ठीक है, मैंने इतना नहीं बताना चाहिए था पर मैंने बता दिया. और ये सब मैंने थोड़ा सा सजावट कर रखी है. ये रहा बेड. ठीक है, थोड़ी बकवास करती हूँ मैं अपने चैनल पे तो खेल लो थोड़ा. ये दीदी की टेबल है, जय भगवान जी. और यह नाम की टेबल है. ये हमारा मिरर हो गया और ये था पूरा रूम. बाकी चलो बालकनी देख लेते हैं. ये बालकनी है, एक स्टैंड हमारा है, एक स्टैंड हमारे पड़ोसियों का है. ये पड़ोसिया का रूम है. ये बालकनी है कुछ कुछ ऐसी. मैस का टाइम थोड़ा सा खत्म होने वाला था तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं. अनाम में भी आ गई है ना के. अनाम में हेलो. तो चलते पहले खाना खा लेते हैं. तो गलती हो गई है, बाल बांध के आने थे. थैंक यू. तो आज दाल बनी है, रायता. ये पता नहीं कौन सी सब्जी है, मैंने ले ली. किसी ने बोला था कि मेस का भी दिखाना है तो इसलिए थोड़ा सा. तो ये पूरा मेस का खाना लग चुका है कहीं, सब खा रहे हैं. तो ये मेस, किसी का तो कमेंट आया था, जानना था उसको मेस का. तो किसी का कमेंट आया था उसको मेस वगैरह का सब कुछ पूछना था. मेस दिखा तो दिया ही है मैंने. बाकी जो मेस के टाइमिंग्स वगैरह होते हैं वो सब मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में डाल दूँगी तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं. बाकी खाना यहाँ का अगर मैं बताऊँ तो ठीक ही होता है. देखो घर में भी ऐसा होता है कि कभी कभी खाना अच्छा बनता है, कभी कभी अच्छा नहीं बनता. तो सेम ही है यहाँ पर भी मेस का. तो सही है, खाना बढ़िया है. बाकी इनसे पूछ लेते हैं कि इनको कैसा लगता है. बताओ खाना कैसा लगता है आपको? क्या अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. यहाँ का ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा है, मतलब एक से एक चीज़ है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है. और मुझे ट्यूसडे का मेन्यू बहुत अच्छा लगता है, जो कढ़ी होती है उसमें कढ़ी होती है, आलू बड़ी की सब्जी होती है और रात में चने होते हैं और खीर होती है. तो ट्यूसडे का मेन्यू सबसे बेस्ट है, बाकी और दिन भी अच्छा लगता है. आपको कैसा लगता है? ब्रेकफास्ट बहुत गंदा है. जबे मिलते हैं सूखे जबे, नमकीन जबे और मीठे जबे. ब्रेकफास्ट छोड़ के दोनों टाइम का खाना अच्छा है और बाकी और भी खाना अच्छा ही है. बट ये है कि रायता बेस्ट है हर दिन का. रायता टेस्टी है और खीरा मिल जाता है तो मजा आ जाता है. और दाल भी ठीक ठाक है जैसे घर में बनती है. घर में ही होता है कि मसाला कम होता है पर यहाँ पर मसाला थोड़ा सा ज़्यादा होता है. जिसको चटपटा खाने का शौक है आराम से खा सकता है बैठ के. और गाजर मिलती है और ये खीरा मिलता है और प्याज तो हमेशा रहता है और वाइट राइस मिलता है और बस नॉर्मल रहता है पर अच्छा मिलता है. और अच्छा में रात के थोड़ा बहुत देख लेना कमी की हो जाता है बट दो टाइम खाना बेस्ट होता है. फिर एक घर के खाने में कुछ कंपेयर नहीं किया जा सकता बट स्टिल अच्छा है खाने लायक.
तो ग्राफिक्स की कैसी तैयारी चल रही है? अभी मुझको मिली, अभी मैं पार्सल लेने आई हुई। सर मैं इंट्रोड्यूस मै सर, सो माय नेम इज कानु शर्मा, मैं भी इसी कॉलेज में रहती हूँ। सो अभी हम बैठे हुए हैं बाहर एंड ग्राफिक्स की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। आज आयुष्मान खुराना आएंगे, सो अगर हम देखें स्टेज की तो काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो गई है एंड क्राउड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग तैयार होके भी आए हैं, रात को ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड पहली मतलब हमारा तो पहली बार है यहाँ पे ग्राफिक्स, तो इन्जॉय करेंगे। आप भी देखिए, आप भी इन्जॉय कीजिए। और इनका चैनल भी है, चैनल का बता दें। तो मेरा चैनल का नाम है कनु शर्मा, आप यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हो और सब्सक्राइब करो, इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हम लोग आ चुके हैं पार्सल लेके, ये रहा पार्सल। आप दीदी का मैंने अनबॉक्स करने का, ये ऑर्डर किया है क्योंकि मेरे को बिली आइलिश थोड़ी सी पसंद है, इसलिए उसने ये वाला कवर ऑर्डर कर दिया। और ये उसने खुद ही डिज़ाइन किया है, खुद ही कस्टमाइज़ किया है। कितना प्यारा लग रहा है ना ये, ठीक है मैं यही लगाऊंगी। सब रेडी होते हुए जो कि मुझको 10 बार बोल चुकी थी मेरे को मत दिखाना। उनको साउंड चेक करना है, सुबह से भीड़ जा रहा है, एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? पर इस बड़े खूबसूरत समुद्र में कुछ छुट्टियां हैं। जस्ट गर्ल्स विल डू दिस नाउ, बॉयज चुप रहना, चुप रहना, ओके? 1 2 3 Voice on you, 1 2 3